अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। एक बार से हम सीरीज़ की हमारी बुक चल रही थी, इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका नाम है, कह रहे हैं फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। हमें जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास ये होता है जिसको हम अलग अलग तरीके से करके करते हैं। 3 5 15, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5। हमारे पास आ रहा है 3 × 5 और 5 × 5। तो हमारे पास जो जो चीज़ें सेम आती हैं हम उसको वन टाइम लिखते हैं, और बाकी जो नंबर्स हैं उनको भी साथ, ये एक पेयर है इसका 8 5, और ये जितने भी नंबर्स बचे हुए होते हैं उनको भी साथ लिखते हैं तो हमारा एलसीएम निकलता है। 3 5 15, 15 5 हमारे पास हो जाएगा 75। ये हमारा हो गया एलसीएम। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 18 and 90, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास एक हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 18 के, 2 3 3। उसके बाद हम 90 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, 0 एज इट इज़, 3 10 30, 2 5 10, 5 1 5। तो ये हमारे पास हो गया 3 × 3 × 2 × 5। हमारे पास ये सेम है, ये 3 सेम है, तो हमारे पास ये जो दोनों सेम हैं इनको लिख देते हैं, एक एक पेयर का एक एक 3। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं वो 2 बचे हुए हैं, 2 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। 3 3 9, 9 2 18, 18 2 18 2 हमारे पास होगा 36, 36 5 हमारे पास आ रहा है 5 6 30, 5 3 15, 16 17, 180। एलसीएम हमारे पास आ गया है 180, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, 20 and 45। तो 20 का हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। इधर 45 का ले लेते हैं, 3 1 3, 1 इसको ले देंगे, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 5, 3 × 3 × 5। हमारे पास कॉमन आ रहे हैं 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आएगा 72। एलसीएम हमारा आ रहा है 70 अच्छा, ये हमारे पास आएगा 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, और 36 को हम 5 के साथ कर रहे हैं, तो 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, ठीक है, 180 ही आ रहा है हमारे पास। और ये हमारे पास आएगा 5 2 10, 10 2 20, 20 3 हमारे पास हो जाएगा 60, 60 को हम 3 से करेंगे तो हमारे पास ये भी आ रहा है 180। ये भी हमारा एलसीएम निकल गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने, मुझे ये थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये 2 भी सेम आ रहा है हमारे पास, तो ये 2 भी सिर्फ वन टाइम ही आएगा। तो 3 3 9, 9 2 18, 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम 90 आ रहा है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी, इसलिए मैंने दोबारा से इसको करेक्शन कर दिया है, क्योंकि ये 2 मेरी नज़र से जो है वो रह गया था। तो ये 2 भी हमारा जो है वो सेम है दोनों पेयर्स के अंदर, तो 2 को भी वन टाइम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है 36 and 72। 36 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 2, 1 इसको दे देंगे, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। और यहाँ पर हमारे पास 72 आ रहा है, 72 को लेंगे, 2 3 6, 1 इसको दे देंगे, 2 6 12, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 × 2 × 3 × 3, और यहाँ आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो हमारे पास सेम क्या क्या आ रहे हैं, ये सेम है, ये सेम है, ये 2 सेम है, और ये 2 सेम है। तो हमारे पास 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 6 12, 2 3 6, प्लस 1 7, 72। एलसीएम हमारे पास हो गया है 72, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 60 and 90। इन दोनों का निकाल लेते हैं, 2 3 6, 0 एज इट इज़, 2 1 2, 1 इसको दे देंगे, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। अब हम 90 का ले लेते हैं, 3 3 9, 0 एज इट इज़, 3 10 30, 2 5 10, 5 1 5। तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3 × 5,
और 3 × 3 × 2 × 5 ये सेम है, ये 3 सेम है, ये 2 सेम है और कुछ भी सेम नहीं है। तो ये हो गए 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 32 × 60, 63 × हमारे पास आ रहा है फिर से 180। LCM आ गया हमारे पास 180। ठीक है, अब हमारे पास 100 और 300 आ रहा है, इन दोनों को निकाल लेंगे। 2 × 5 = 10, 0 as it is, 2 × 2 = 4, 1 इसको दे देंगे, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास 300 आ रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 7 = 14, 1 इसको दे देंगे, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3। तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 5 × 5 और 2 × 2 = 5, 5 × 3। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 25 × 100, 100 × 3 = 300। तो हमारे पास LCM आ जाता है 300। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 300 का भी अभी हमने निकाला है LCM, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5। और 500 का यहाँ पर निकाल लेते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। तो हमारे पास आ रहा है 2 × 2 × 5 × 5 और 5, और यहाँ आ रहा है 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो हमारे पास सेम क्या आ रहे हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो सबको एक एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 25 × 100, 100, 5 × 100, तो हमारा LCM आ जाएगा 500। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है 324। आपकी बुक में इसका आंसर पीछे 1500 दिया हुआ है, जो कि मिस प्रिंटिंग है, इसका आंसर 500 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग 2 के टेबल से ले लेते हैं। 2 × 1 = 2, 1 इसको दे देंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 2 इसको दे देंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। अब हम लोग ले लेते हैं 486, 2 के टेबल से ही स्टार्ट करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो हमारे पास आ गया 2 × 2, 3, 3, 3, 3, 4 टाइम्स, फिर 2 एक दफ़ा है, और फिर 5 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है। तो ये पहले जो सेम है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 3 × 24, 3 × 1 = 3, 4 × 5 = 54, 54 × 3 = 3, 4 × 12, 3 × 5 = 15, +1 = 16। अब हम इसको करेंगे 3 से फिर से, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3, +1 = 4। अब इसको कर देते हैं 2 से, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, +1 = 17, 2 × 4 = 8, +1 = 9। हमारे पास आ रहा है 972, 2 × 6 = 12 होता है। तो LCM हमारे पास आ गया है 972। इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना लूँगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।